स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं हूं एनके सिंह, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं। आप सभी ये जानते हैं आरओ एआरओ का विज्ञापन 411 पदों पर आ चुका है और आप सभी लोग कमर कस करके अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब की बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे निश्चित रूप से पिछले पैटर्न पर भी लगभग मिलते जुलते होंगे, अर्थात कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्नों की संख्या आपकी परीक्षा में ज्यादा रहने वाले हैं। तो इस लिहाज से आपको एक गंभीर तरीके से बदले हुए स्ट्रेटजी में, बदले हुए पैटर्न में आपको पढ़ाई लिखाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। मैं एनके सिंह आज आपके सामने आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा से संबंधित एक बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसको आप प्रजनन तंत्र कहते हैं, उस प्रजनन तंत्र के साथ में आपके सामने उपस्थित हूं। और ये वीडियो केवल और केवल गंभीर विद्यार्थियों के लिए है। यहां पे ऐसी मैं बहुत ढेर सारी नई बातें मैं बताने वाला हूं, नई बातें आपको सिखाने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां से इधर बीच लगभग 2-4 सालों में प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रजनन रिप्रोडक्शन क्या होता है बहुत सूक्ष्मता के साथ इसका अध्ययन करेंगे, प्रजनन के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उन पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जो कि आप आगे चलकर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, तो आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप हिंदी में परख नली शिशु कहते हैं, वो क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। और इस समय सोशल बर्निंग इशू के रूप में आप सभी ये जानते हैं सेरोगेसी को, किराए की कोख को, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। याद रखना आमतौर पे ये चैप्टर जो है आप सभी लोग आनंदित भाव में पढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन यहां पर हम कॉन्सेप्ट को सिखाने का प्रयास करेंगे। और यदि आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया तो विश्वास मान के चलिएगा कि जीवन में बहुत ढेर सारे दुख जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते थे वो आपका दूर हो सकता है। तो चलिए बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे इन टॉपिक पर, इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करते हैं, बहुत संजीदगी के साथ में, बहुत जीवंतता के साथ में इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। पहले हम बात करते हैं एकदम इनिशियल स्टेज से कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या होता है या प्रजनन क्यों जरूरी होता है। आप सभी ये जानते हैं कि हजारों वर्षों से लगातार विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मैं मनुष्य की मैं बात नहीं कर रहा हूं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। और मौजूद इस वजह से हैं क्योंकि इसके पीछे एक कारण है कि जब वो इस पृथ्वी से अलविदा कहते हैं तो वो अपनी जैसी एक नई संतान को उत्पत्ति करके जाते हैं, अर्थात प्रजनन जो है वो जीवन की निरंतरता को दर्शाता है। जीवन की निरंतरता अगर इस पृथ्वी पर या फिर किसी भी ग्रह पर बनी हुई है तो वह उसका केवल और केवल एक कारण हो सकता है और वह है रिप्रोडक्शन। उसका एक कारण है, उसका है वो प्रजनन। यदि कोई भी जीव जिसमें प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है या प्रजनन वो करना बंद कर देते हैं तो याद रख लीजिएगा वो आगे चलकर वो विलुप्त हो जाते हैं। तो प्रजनन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखना, एक बेसिक इंफॉर्मेशन, इसको क्लियर रखिएगा। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो दो प्रकार का होता है, एक जिसको आप बोलते हैं लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। मैं एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से बात करना प्रारंभ कर रहा हूं, एक मैं बेस तैयार कर रहा हूं आपके लिए ताकि आप इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, इसके मर्म को आप बेहतर ढंग से समझ पाए। प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक है सेक्सुअल, दूसरा होता है असेक्सुअल, यानी कि एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। आसान शब्दों में यदि मैं आपको समझाऊं तो यहां पे याद रख लेना, लैंगिक जो होता है इसमें केवल और केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, एक जीव की आवश्यकता होती है, एक जीव की आवश्यकता होती है, एक ही जीव के माध्यम से, एक ही जीव के माध्यम से यह अपनी परिवार को, यह अपनी जैसी नई संतान को, अपनी जैसी नई प्रजाति को
या बनाने में कैपेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा, हाइड्रा एक ऐसा प्लांट होता है कि अगर मैं हाइड्रा की मैं बात करूं तो हाइड्रा में होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बडिंग प्रोसेस। बडिंग प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि इस हाइड्रा से कोई हिस्सा कट के अलग होकर के वह पृथ्वी पर गिरता है, और जो हिस्सा कट कर पृथ्वी पर गिरता है वही एक नए हाइड्रा को जन्म देता है। तो इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के अगर जीव की आवश्यकता होती है किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्शन में, तो याद रख लेना ऐसे रिप्रोडक्शन को विज्ञान में नाम दिया गया है क्या, अलैंगिक। ऐसे को नाम दिया गया है क्या, अलैंगिक, यानी कि असेक्सुअल कहा गया है इसको। लैंगिक किसे कहेंगे, सेक्सुअल किसे कहेंगे, तो लैंगिक का मतलब होता है जिसमें दो का होना अनिवार्य है, यानी कि इसमें दो प्रजातियां भाग लेंगी, किसी प्रजाति का मेल और किसी प्रजाति का फीमेल। तो मेल और फीमेल का होना आवश्यक है किसमें, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए या लैंगिक जनन के लिए मेल और फीमेल का होना अति आवश्यक होता है। जितने भी विकसित जीव होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, भेड़ हो, बकरी हो, मनुष्य हो या फिर कोई और जीव हो, उन समस्त जीवों में अगर देखा जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लैंगिक जनन ही होता है। तो एक लाइन में सारे कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से क्लियर करिएगा कि अगर एक ही जीव की आवश्यकता होती है, एक ही जीव के माध्यम से वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा रहा है, तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा अलैंगिक, और जहां पर मेल और फीमेल दो की आवश्यकता होती है ऐसे रिप्रोडक्शन को विज्ञान में कहा गया है लैंगिक, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहा गया है सेक्सुअल। आशा करूंगा यहां पर ये चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी ही काम की होती है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो उनमें जो प्रजनन होगा वो सतत तरीके का होगा, या तो उनमें जो प्रजनन होगा वो मौसमी प्रकार का होगा। सतत प्रजनन का मतलब क्या होता है, सतत प्रजनन का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें 12 महीने स्पर्म का निर्माण होता है, 12 महीने ओवम का निर्माण होता है। यह किसी भी महीने या किसी भी समय ये रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन का कार्य कर सकते हैं, इसी वजह से इसे कहा जाता है सतत प्रजनन। और याद रख लेना ऐसे भी जीव होते हैं जो मौसमी प्रजनन को स्थापित करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कुत्ता, कुत्ता जो होता है वो एक खास मौसम में ही प्रजनन करता है। रेप्टाइला वर्ग के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव खास मौसम में ही प्रजनन करते हैं, मेंढक एक खास मौसम में ही प्रजनन करते हैं। तो ऐसे जीव जो एक खास मौसम में रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम मौसमी रिप्रोडक्शन कह सकते हैं या मौसमी प्रजनन का नाम दे सकते हैं। ईश्वर ने इन्हें क्यों ऐसा दिया है, इसके पीछे एक लॉजिक है, क्यों मौसमी रिप्रोडक्शन करने वाले जो जीव हैं इनको सतत क्यों नहीं दिया है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण अगर लॉजिक ढूंढने का प्रयास करेंगे तो लॉजिक ये होता है कि ये जो मौसमी जीव होते हैं जब ये रिप्रोडक्शन का कार्य कर लेते हैं तो उसके पश्चात एक साथ में एक से अधिक संतान उत्पत्ति करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो मेंढक हो, चाहे वो सांप हो, ये ऐसे जीव हैं जो एक से कहीं अधिक संतान को एक ही बार में उत्पन्न कर सकते हैं। अगर इनमें सतत रिप्रोडक्शन होता, अगर इसमें सतत प्रजनन होता, तो होता ऐसा कि जनवरी में आपकी गली में एक कुत्ता घूम रहा है और दिसंबर तक जाते जाते ऐसी स्थिति बनती कि वहां पे 200 कुत्ते आपको दिखाई देते, क्योंकि वो किसी भी टाइम में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए खास टाइम बनाया गया है, इसी समय ये रिप्रोडक्शन का कार्य कर सकते हैं, बाकी मौसमों में नहीं, बाकी समयों में नहीं। और अगर
मनुष्य जैसा कि सतत रिप्रोडक्शन करता है, अगर उसमें सतत नहीं होता, मौसमी होता, तो शादी विवाह भी एक खास मौसम में होते हैं, और साथ ही साथ जो संतान उत्पत्ति का कार्य होता है वह भी एक खास मौसम में ही किया जाता। तो यहां पर आपको यह समझना है कि लैंगिक प्रजनन करने के दो तरीके होते हैं विभिन्न जीवों में, एक होता है सतत और दूसरा होता है मौसमी। ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और नए कॉन्सेप्ट पे। यहां पे कुछ जीव दिए गए हैं और उनकी थोड़ा सा आप गर्भावती व्यय ध्यान रखिएगा कि ये जो मनुष्य होता है 280 दिन, याद रख लेना इसकी गर्भावधि होती है 280 दिन, यानी कि लगभग पूरा का पूरा 9 महीना। यहां पर एक जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि जब किसी भी महिला में, जब किसी भी महिला में अगर एक फीमेल एक बेबी भ्रूण के रूप में उसका विकास हो रहा है, तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि उसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे। यहां पे कहने का मतलब यह है, कहने का आशय यह है कि अगर मां के गर्भ में अगर कोई लड़की होगी तो उसके अंग बनने में ज्यादा समय लगता है अपेक्षाकृत बालकों के। इसी वजह से अगर कोई लड़की होगी तो ऐसा चांसेस है कि 9 महीने से अधिक समय, 5 दिन 10 दिन लग सकता है। यहां पे सुअर का देखेंगे तो 114 दिन होता है, अगर यहां पर चूहे का देखेंगे तो चूहे का 21 दिन होता है, गाय का यदि देखेंगे तो गाय का 280 दिन होता है, यदि भैंस की हम बात करेंगे तो भैंस का 310 दिन होता है, और हाथी का देखिएगा तो हाथी का 624 दिन होता है। याद रख लीजिएगा, एक हाथी या एक हथनी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने गर्भ में 624 दिन तक एक बच्चे को अपने पेट में पालती है, 3 साल तक लगभग पालती है। लंबा संघर्ष, जीत भी बड़ी होती है। जब 3 साल के पश्चात जब हथनी अपने बच्चे को जमीन पर गिराती है तो अर्थ यानी कि पृथ्वी उसको फील करता है कि कोई जन्म लिया है, और जब ये चलता है जन्म लेने के पश्चात तो आने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी रास्ता देते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का आशय ये है कि एक सिविल एस्पिरेंट भी ठीक उसी प्रकार से होता है। संघर्ष तो बड़ा है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विश्वास मान के चलिएगा जीत भी उतनी ही बेमिसाल होगी। जब आप सेलेक्ट हो गए तो याद रखना और जितने भी लोग आसपास रहेंगे वो आपको देखेंगे, आपसे एक सबक लेंगे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पे अब मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको बताने चल रहा हूं जो इधर बीच बड़े ट्रेंडिंग में रहे हैं, बड़े सवाल पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में। उन शब्दों से थोड़ा सा मैं आपका परिचय कराता हूं, थोड़ा सा मैं आपको तारुफ कराता हूं। पहला शब्द है इसमें है क्रस्टेशन। क्रस्टेशन शब्द का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने ये जाना होगा कि एक गाय है, ठीक है, गाय, ध्यान दीजिएगा, गाय जो होती है या तो बछड़े को जन्म देती है या तो बछिया की जन्म देती है। सामान्य अर्थों में अगर मैं थोड़ा सा और व्यवहारिक तरीके से बात करूं तो गाय जब बछड़ा को जन्म देती है, बछड़ा, तो वो बछड़ा आगे चलकर दो बन सकता है, वो आगे चलकर या तो सांड बनेगा या तो वो आगे चलकर बैल बनेगा। ध्यान से सुनना, ये सवाल पूछा गया है इस वजह से इस प्रोसेस को मैं बता रहा हूं। सांड और बैल दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि ये जो सांड होता है इसमें सीमेन का निर्माण होता है और यह अपने जैसे नई प्रजाति को जन्म देने में समर्थ होता है। लेकिन जब इसी सांड में ऐसी स्थिति विज्ञान के द्वारा या चिकित्सा पद्धति के द्वारा ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं कि उसमें सीमेन निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, अर्थात वो अब सीमेन नहीं बना सकता है, वो पूरी तरीके से व्यवहारिक भाषा में बात करेंगे नपुंसक हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं या ऐसी संरचना को हम कहते हैं बैल। तो बैल बेचारा सीधा साधा होता है, इसी वजह से सीधा साधा होता है क्योंकि इसमें वो क्षमता नहीं होती है कि वो अपने जैसे जीव को
निर्मित कर सके या संतान उत्पत्ति में सहायक हो सके, नहीं, क्योंकि साड़ में ही सीमेन का निर्माण होता है, तो इसमें सीमेन का निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है। तो साड़ से बैल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्रस्टेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम क्रस्टेशन कहते हैं। तो क्रस्टेशन कब होता है? जब हम साड़ से बैल को प्राप्त करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्रस्टेशन नाम देते हैं। ये कैसे होता है अभी आगे चलकर आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं पुरुष नसबंदी पर बात करूंगा, अर्थात मैं बात करूंगा वसेक्टोमी पर, और महिला नसबंदी पर मैं बात करूंगा जब ट्यूबेक्टोमी पर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ट्यूबेक्टोमी और वसेक्टोमी ये दो शब्द हैं जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। यहां पे वसेक्टोमी क्या होता है पहले इसको समझिए। वसेक्टोमी का मतलब होता है कि, यहां पर इस चीज को समझिएगा कि जो पुरुष नसबंदी होती है, ठीक है, पुरुष नसबंदी जो होती है, पुरुष नसबंदी को ही विज्ञान में कहा जाता है वसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वसेक्टोमी। ये क्या होता है और कैसे होता है और क्यों इसको वसेक्टोमी कहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आते हैं एक फिगर पे, और फिगर के माध्यम से हम बात करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से बात करना प्रारंभ करते हैं, फिगर के माध्यम से थोड़ा सा हम बात करना प्रारंभ करते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, याद रखना। यहां पर दो तीन शब्द से आपका परिचय हो जाना चाहिए, यह भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप यानी कि मेल में जो होता है दो टेस्टिस पाए जाते हैं, और इन टेस्टिस का काम क्या होता है? इन टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का निर्माण करना। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म, अर्थात शुक्राणु को निर्मित करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यहीं पर शुक्राणु निर्मित होता है। यहां पर एक परीक्षा में सवाल यह भी बना हुआ है कि टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करने वाली जो झिल्ली है या जिस थैली में ये टेस्टिस बाई जाती है, ऐसी थैली को स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम वह थैली होती है जिसमें ये टेस्टिस स्थित होता है। यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इस टेस्टिस में क्या बना? टेस्टिस में स्पर्म बना। स्पर्म जो होता है यह एक नली के माध्यम से ये आता है कहां पर? ये एक नली के माध्यम से ये पुरुष के पेनिस से होते हुए ये महिला के वेजाइना में इजेकुलेट हो जाता है, और इजेकुलेट होने के पश्चात निषेचन होता है, और निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। अभी उस सारी प्रक्रियाओं पर मैं बात करूंगा आगे चलकर, बहुत डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। यहां पर आपको समझना है कि ये जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म जिस नली से होकर ये पुरुष के पेनिस में जाता है, ऐसी नली को विज्ञान में वासा डिफरेंसिया कहा गया है या वासा डिफरेंस कहा गया है। वासा डिफरेंस वह नली होती है या वासा डिफरेंसिया वह नली होती है जिसके माध्यम से स्पर्म आगे बढ़कर जो होता है वो पुरुष के स्पर्म में जाता है। अब यहां पर जब वासेक्टोमी किया जाता है तो यहां पर किया क्या जाता है? इसी नली को, जिस नली को हम कहते हैं वासा डिफरेंसिया, इसी नली को यहां से कट कर दिया जाता है। और जब कट किया जाता है तो ये पुरुष में बनने वाला जो स्पर्म है यानी कि जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु इसके माध्यम से ये आगे नहीं बढ़ पाता, और स्पर्म जब आगे नहीं बढ़ पाता तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की कोई चांसेस ही नहीं। तो कुल मिलाकर यहां पर मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये बात एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो पुरुष नसबंदी होती है उसको विज्ञान में वसेक्टोमी कहते हैं, और ये जो महिला नसबंदी होती है, ठीक है, महिला नसबंदी को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, यहां पे क्या होता है? यहां पे आगे चलकर मैं बताऊंगा फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब को हम बांध देते हैं जिससे ओवम जो है वो आगे ना बढ़ पाए। अभी ये चीजें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर महिला नसबंदी जो होती है कई प्रकार की होती है, लेकिन उसी में एक प्रकार ये भी है कि यहां पे बेसिकली फैलोपियन नलिका को बांधा जाता है, और यहां पे वासा डिफरेंसिया
नामक एक नली है, उस नली को कट कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म जो होता है उससे स्पर्म जो होता है उस नली के माध्यम से वो पेनिस में नहीं जा पाता। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द है मेनार्की। मेनार्की को समझिएगा, मेनार्की या मोनोपॉज, ये दोनों शब्द जो होते हैं जिस शब्द से जुड़े हुए हैं उसे हम बोलते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल। ये शब्द जरा ध्यान से समझिए, मेनस्ट्रुअल साइकिल जिसे आप रजोधर्म भी कहते हैं या फिर मासिक धर्म भी कहते हैं, आमतौर पर जब एक लड़की 12 से लेकर के 14 वर्ष की होती है, हालांकि ये जो एज का मैं डिफरेंस बता रहा हूं ये विभिन्न खाद्य पदार्थों पर भी निर्भर करता है कि आप उस बच्ची को कैसे खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, और ये मौसम पर भी निर्भर करता है। तो मौसम और खाद्य पदार्थों पर ये निर्भर करता है, इससे क्या होता है, इस जो मैंने आयु वर्ग बताया है 12 से 14 इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो सामान्यतः जो होता है 12 से 14 वर्ष जाते जाते, ठीक है, एक लड़कियों में एक संरचना या लड़कियों में एक घटना घटित होती है जिसको हम कहते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल। मेनस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, ठीक है, मेनस्ट्रुअल साइकिल का जो शुरू होना मेनस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना ये कहलाता है मेनार्की। विज्ञान में मेनार्की किसे कहते हैं, तो आप आसान शब्दों में कहेंगे जब किसी भी लड़की में या महिला में जो है मेनस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है तो उसी को बोला गया है मेनार्की। और लगभग 45 से जाकर 50 साल तक महिला में ये मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है आना बंद हो जाता है, और जब ये मेनस्ट्रुअल साइकिल जो होती है आना बंद होता है तो मेनस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना इसे विज्ञान में क्या कहा गया है, मोनोपॉज कहा गया है। तो ध्यान से फिर से सुन लेना, मेनस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना मेनार्की, मेनस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना मोनोपॉज, पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी, महिला नसबंदी को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और एक सार से बैल को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को चिकित्सा में कहा गया है क्रस्टेशन। उस प्रोसेस को कहा गया है क्रस्टेशन। आशा करूंगा कि चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी, बेहतर लग रहा होगा आपको। अब आते हैं मुद्दे पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से लगभग आपका मैं बेस तैयार कर चुका हूं, अब एक छोटी सी और जानकारी को पहले आप इकट्ठा करिए, यह भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए, एक पुरुष जो होता है मेल की तरफ से जो प्राथमिक कोशिका या ये जो पहली कोशिका जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेती है उस प्राथमिक कोशिका का नाम होता है स्पर्म। उस प्राथमिक कोशिका को हम क्या बोलते हैं, उस प्राथमिक कोशिका को स्पर्म कहा जाता है, उसे शुक्राणु कहा जाता है। और महिला की तरफ से यानी कि फीमेल की तरफ से जो प्राथमिक सेल प्रजनन की क्रिया में भाग लेती है उसे हम विज्ञान में ओवम कहते हैं, या उसे विज्ञान में हम अंडाणु नाम देते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के विषय में एक बात और याद रख लेना, और वो ये कि शुक्राणु मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, वो स्पर्म है। और अगर सवाल ये बने कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी की बात हो रही है, लार्जेस्ट सेल की बात हो रही है, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है क्या, ओवम, यानी कि महिला अंडाणु। यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर हमने तो पढ़ा है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका के विषय में पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु। ठीक है, अब होता क्या है, ये स्पर्म जब ओवम से मिलता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या इसी प्रोसेस को निषेचन कहा जाता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म का ओवम से मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है।
और निषेचन के पश्चात जिस प्राथमिक कोशिका का विकास होता है उस प्राथमिक कोशिका का नाम जाइगोट है, उस प्राथमिक कोशिका का नाम युग्मनज होता है। जाइगोट निर्मित हो गया, जाइगोट निर्मित हो चुका है। यहां पर इतने प्रोसेस को थोड़ा सा हम विथ फिगर समझने का प्रयास करते हैं, कहां तक के प्रोसेस को, यहां तक के प्रोसेस को, कि ये स्पर्म अंडाणु से निषेचन हुआ और निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण हुआ, ये कैसे होता है, कहां पर होता है, इस पर अब मैं बात करने चल रहा हूं। अभी आगे के प्रोसेस को थोड़ा सा कुछ देर के लिए आप रोके रहिएगा समझना। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले इसके कुछ स्ट्रक्चर को समझिए कि इन स्ट्रक्चर को क्या क्या कहा जाता है। इसमें से जो पहला स्ट्रक्चर होता है, इस पहले स्ट्रक्चर को वेजाइना कहा जाता है। पहला जो स्ट्रक्चर है इसे हम वेजाइना कहते हैं, या हिंदी में इसे हम योनि का नाम देते हैं। ये वही स्थान है जहां पर एक पुरुष अपने स्पर्म को इजेकुलेट करेगा, यहां पर ही वह अपने स्पर्म को स्खलित करेगा। यह स्पर्म आगे बढ़ेगा, ध्यान से समझते चलिएगा। यहां पर महिलाओं में ओवरी पाई जाती है। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। महिलाओं में या फीमेल में दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अंडे का निर्माण करना, इनका काम होता है अंडे का निर्माण करना। यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये जो फीमेल ओवरी होती है वो प्रत्येक महीने में, जैसे इस महीने में यहां पे अंडे का निर्माण हुआ है, एक अंडे का निर्माण हुआ है, तो अगले महीने यहां पे अंडे का निर्माण होगा, इस महीने इसमें हुआ तो फिर अगले महीने यहां पर। यानी कि हर एक महीने में एक ओवरी में एक अंडे का निर्माण होता है। तो ओवरी वह संरचना होती है जहां पर अंडे का निर्माण होगा, ओवम का निर्माण होगा। यह ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मेल के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण हो रहा है, तो ओवरी में अंडे का निर्माण हो रहा है, ओवम का निर्माण हो रहा है। संख्या में कितनी होती हैं ओवरी, दो होती हैं, ठीक है, यह भी आपने समझ लिया। अब यहां पर एक संरचना पाई जाती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण संरचना है, और उस संरचना का नाम होता है यूटेरस, उस संरचना का नाम होता है गर्भाशय, उस संरचना का नाम होता है यूटेरस। ध्यान से इस संरचना को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही आईवीएफ टेक्नोलॉजी और सेरोगेसी का आधार बिंदु बनेगा। तो यूटेरस है, और एक संरचना, और एक ऐसी संरचना जो कि अंडे को लेकर आगे बढ़ाती है और इधर लेकर आती है, ऐसी नलिका को विज्ञान में फैलोपियन ट्यूब कहा गया है। फैलोपियन ट्यूब कहा गया है, आई रिपीट, फैलोपियन नलिका कहा गया है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फैलोपियन नलिका। तो फैलोपियन नलिका के द्वारा ही अंडा जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पर कहानी को ध्यान से समझना, वो पिछली कहानी को इससे जोड़ने का प्रयास करिएगा, लेकिन उससे पहले आपको फैलोपियन नलिका, ओवरी, गर्भाशय और वेजाइना, इन शब्दों से आपका परिचय हो जाना चाहिए। अब होगा क्या, एक पुरुष जब रिप्रोडक्शन का काम करता है या जब वो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में आता है, तो वो अपने टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म इजेकुलेट करता है महिला के वेजाइना में। यहां पर एक स्मरणीय बात यह है कि यहां पे मैं ध्यान आपको आकर्षित जरूर कराना चाहता हूं कि एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं वीर्य। वीर्य का मतलब होता है सीमेन। वीर्य का मतलब क्या होता है, सीमेन होता है। वीर्य का मतलब होता है सीमेन। वीर्य जो होता है, जब एक पुरुष रिप्रोडक्शन का कार्य करता है या फिर वो जब लैंगिक क्रिया को संपादित करता है, तो उस समय वो एक बार में कम से कम, एक स्वस्थ पुरुष की मैं बात कर रहा हूं, 25 से लेकर के 30 ml
25 से लेकर के 30 ml वीर्य को अस्खलित करता है महिला के वेजाइना में। अब वीर्य अलग चीज है, स्पर्म अलग चीज है। स्पर्म यानी कि जिसको आप शुक्राणु कहते हो, शुक्राणु प्लस एक चिपचिपा द्रव लिक्विड, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? वीर्य बनाता है। तो जब आप वीर्य कहते हो तो वीर्य में शुक्राणु भी होता है और एक लिक्विड चिपचिपा होता है जो कि प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक होता है। यहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब एक बार 25 से लेकर 30 ml तक लगभग स्पर्म अस्खलित होगा तो स्पर्म इसमें कितने पाए जाएंगे? लगभग लगभग हजार लाख नहीं, लगभग करोड़ों की संख्या में। अगर एक स्वस्थ मनुष्य ने, अगर उसने रिप्रोडक्शन का कार्य किया है और उसने अपने सीमन के द्वारा जो है स्पर्म को इजेकुलेट किया है, तो लगभग 2 करोड़ शुक्राणु निकलेंगे और 2 करोड़ में से केवल और केवल एक शुक्राणु पर्याप्त होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए, निषेचन की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए। केवल और केवल इस 2 करोड़ में से एक चाहिए। एक भी अगर स्वस्थ रहा तो उसके अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो ताकत है कि वह फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को संपादित कर सकता है, वो निषेचन की प्रक्रिया को संपादित कर सकता है। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। हुआ यह कि पुरुष ने जो है यहां पे स्पर्म को अस्खलित किया, या फिर अगर आसान शब्दों में कहें तो उसने 2 करोड़ स्पर्म को एक साथ में वेजाइना के अंदर जो है प्रवाहित कर दिया। अब ये 2 करोड़ स्पर्म ये आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से होते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से होते हुए धीरे धीरे ये स्पर्म जो है ये आगे बढ़ रहा है। ये क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि यह तलाश कर रहा है अंडे का, ओवम का वो तलाश कर रहा है, ओवम को वो देख रहा है कि ओवम कहां पर है, ओवम कहां पे है, अंडा कहां पे है, इस ओवरी में निर्मित हो रही है। यहां पे थोड़ी सी कहानी को समझिएगा। जब ओवम निर्मित होती है यहां पर, कहां पर? ओवरी में, तो ये 1 से लेकर 7 दिन, इस टाइम ड्यूरेशन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो आपको थोड़ा सा और कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे आज मान लीजिए 1 तारीख है, जब इसमें से अंडे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो 1 से लेकर 7 तारीख तक लगभग, या 8 तारीख तक लगभग, या 9 तारीख तक लगभग इसमें अंडे का निर्माण हो जाता है और लगभग 10 तारीख या 11 तारीख या 12 तारीख तक वो इसमें परिपक्व होता है, उसमें वो मिच्योर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लगभग लगभग ये मानकर चलिएगा 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अंडा उसी ओवरी में ही रहता है और उसमें मिच्योर होता है, उसमें परिपक्व होता है। 12 दिनों के पश्चात जो है वो अंडा जो है वो बाहर निकलेगा। कहां पर निकलेगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फैलोपियन नलिका में जाएगा। और जब अंडा ओवरी से बाहर निकलता है तो उसी प्रोसेस को ओवुलेशन कहा गया है, उसी प्रोसेस को अंडोत्सर्ग कहा गया है। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ओवरी से अंडा बाहर निकल गया है। अब ये 12, हमने कहा कि 12वें दिन ये बाहर निकला। अब ध्यान से थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को समझिएगा। 12 से लेकर के लगभग 22 तारीख तक या 20 तारीख तक ये वो फेज है जिस फेज में अंडा जो होता है इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसी फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, लगभग 12 से लेकर के 22 तारीख तक के, ये लगभग मैं वैल्यू मैं बता रहा हूं, ये वैरी भी कर सकता है, 2-4 दिन 5 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो यहां पर 12 से लेकर 22 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में अंडा इंतजार करेगा। किसका इंतजार कर रहा है? स्पर्म का। अगर स्पर्म जो होता है इस फैलोपियन ट्यूब तक आ गया तो यहां पर इन दोनों की क्रिया से या इन दोनों के मिलन से फर्टिलाइजेशन का क्रिया संपादित हो जाएगा, निषेचन की क्रिया हो जाएगी और जायगोट का निर्माण हो जाएगा। तो एक सवाल यह बनता है कि जायगोट कहां पे बनता है या निषेचन की प्रक्रिया कहां पे संपादित होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन ट्यूब में ही होगी।
और अगर नहीं हुआ तो ये ओवम अगले मेनस्ट्रुअल साइकिल में बाहर निकल जाएगा। यहां पर यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि स्पर्म ने ओवम से यहां पे मुलाकात कर लिया तो निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन के पश्चात ही जिस प्राथमिक कोशिका का विकास होता है उसी प्राथमिक कोशिका को हम क्या कहते हैं, उसी कोशिका को हम जाइगोट कहते हैं। तो अगर कोई भी जीव, या खास करके यहां पे मैं मनुष्य की ही बात कर रहा हूं, तो मनुष्य के संदर्भ में फर्टिलाइजेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण डेट है वो है 12 से लेकर 22 तारीख के बीच में। अगर इस समय कोई फीमेल एक मेल से संबंध स्थापित करती है या लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है तो ये चांसेस हैं कि वो महिला गर्भ को धारण कर सकती है, इससे पहले भी नहीं और इसके बाद भी नहीं। यदि एक बार फैलोपियन ट्यूब से ये अंडा निकल जाएगा तो विश्वास मानकर चलिएगा कभी भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए चाहिए कि स्पर्म और ओवम उसी फैलोपियन ट्यूब में जाकर मिले। जब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाता है, जब ये निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, फिर क्या होगा? फिर होता ये है कि यहां पे जाइगोट धीरे धीरे विकसित होगा और वो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, एम्ब्रियो में बदल जाएगा, भ्रूण में बदल जाएगा। अब ये भ्रूण आएगा और स्थापित होगा महिला के कहां पर, महिला के गर्भाशय में, यूटेरस में। विज्ञान ने बहुत प्रगति कर लिया है, विज्ञान ने जो सोचा उसने किया। विज्ञान बस किसी व्यक्ति को अमर नहीं कर सकता, बाकी आप जानते हैं कि विज्ञान लगभग लगभग बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है, लेकिन विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है यूटेरस की गुत्थी को सुलझाना। अब देखिए मां क्यों महत्वपूर्ण होती है। यूटेरस गर्भाशय एक ऐसी संरचना होती है जहां पर एक भ्रूण 9 महीने तक लगभग यहां पे वो विकास करेगा। 9 महीने तक कोई भी भ्रूण विकास करेगा वो यूटेरस में ही कर सकता है। दुनिया की कोई भी ऐसी लेबोरेटरी का निर्माण नहीं हुआ है, किसी दुनिया की कोई भी ऐसी प्रयोगशाला का निर्माण नहीं हुआ है जो यूटरस के एनवायरमेंट को बना सके। यानी कि एक बच्चे का, भ्रूण का जब भी विकास होगा वो हमेशा और हमेशा कहां पर हो सकता है, वो हमेशा और हमेशा यूटरस में ही हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर महिला के किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई दिक्कत हुई तो उसमें गर्भधारण करने की क्षमता रहेगी, चांसेस रहेगा, लेकिन अगर किसी भी महिला का यूटरस में दिक्कत आ गई तो वो कभी भी गर्भ को धारण नहीं कर सकती है, या वो कभी भी गर्भ का विकास नहीं कर सकती है, वो कभी भी शिशु को अपने पेट में नहीं पाल सकती है, यानी कि गर्भाशय में नहीं पाल सकती है। तो यूटेरस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम सब कुछ कर सकते हैं, यहां तक कि एक मेल और फीमेल को संबंध भी स्थापित नहीं करना पड़ेगा और एक बच्चे का जन्म हो जाएगा, लेकिन यूटेरस का एनवायरमेंट आज तक किसी भी प्रयोगशाला में निर्मित नहीं हुआ है। तो आशा करूंगा कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ निषेचन की प्रक्रिया कैसी घटित हुई यह भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। लौटते हैं पुरानी कहानी पर। पुरानी कहानी पर अगर हम बात करेंगे तो मैं बात कर रहा था कि यह जाइगोट का निर्माण हुआ, स्पर्म मिला ओवम से, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट का निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। अब इस युग्मनज के निर्माण के पश्चात जो है, अच्छा जाइगोट कहां पे बना है तो याद रखना मैंने बताया है फैलोपियन ट्यूब में। इसके पश्चात इस प्राथमिक कोशिका थोड़ी सी विकसित होती है तो मोरुला स्टेज आता है। मोरुला स्टेज में विभाजन बहुत तेजी के साथ में होता है, बहुत तेजी के साथ में डिवीजन होता है। मोरुला के पश्चात ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के पश्चात गैस्टुला, और यही गैस्टुला आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है, और यही भ्रूण जो होता है वह आगे चलकर एक बच्चे के जन्म देने में ये कैपेबल होता है। तो सोचिए एक स्पर्म, एक ऐसी कोशिका, याद रखना इस स्पर्म में यहां पर 23 शुक्राणु पाए जाते हैं। 23 जोड़ी मैं नहीं कह रहा हूं, 23 केवल कह रहा हूं, और अंडाणु में 23 हैं। जब यही 23 23 मिलते हैं
तो जायगोट में 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी गुणसूत्र का निर्माण होता है और इस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है। तो जो हमने पूरी कहानी को स्टार्ट किया था, उस कहानी में अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि प्रजनन क्या है, फिर प्रजनन क्यों किया जाता है, प्रजनन के प्रकार क्या होते हैं, और फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक आंशिक जानकारी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवाया। अब यहां पर दो इस समय बर्निंग इशू के रूप में दो मुद्दे होते हैं, एक मुद्दा है IVF का और एक है सेरोगेसी का, तो उन दोनों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाना चल रहा हूं क्या IVF, अगर IVF आपने समझ लिया तो आप सेरोगेसी को भी बड़े आसानी के साथ में समझ सकते हैं। एक है IVF और एक होता है सेरोगेसी, सेरोगेसी को ही हम क्या नाम देते हैं, सेरोगेसी को ही हम कहते हैं किराए की कोख, ठीक है। क्यों इसे किराए की कोख कहते हैं, अभी इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आते हैं IVF, ठीक है। IVF का पूरा नाम क्या होता है, IVF तीन शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है इन, एक है विट्रो, और F का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन। विट्रो का मतलब क्या होता है, विट्रो का मतलब होता है कांच, है ना, या एक नली कह लीजिए, और अगर इन विट्रो हमने कर दिया तो इसका मतलब कांच वाली नली में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। कांच वाली नली में यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को या इसी तकनीक को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आप सोचे रहे होंगे कि सर ये कांच वाली नली में हम क्यों फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे, तो इसको पहले ध्यान से समझिए, क्यों कांच वाली नली में हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया को या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को संपादित करेंगे, इसके पीछे ध्यान से कहानी सुनिए। जब किसी महिला के इस फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या आती है, फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत होती है, या प्रोसेस नंबर एक ध्यान दीजिएगा, या तो फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत होगी, तो फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत होगी तो क्या होगा, अब इतना कॉमन सेंस तो आपको आ ही गया होगा कि फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत होने से ये ओवम नहीं आगे बढ़ेगा, और ओवम आगे नहीं बढ़ेगा या स्पर्म आगे नहीं बढ़ेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा और एक भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। या तो फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत है या फिर मेल के स्पर्म क्वालिटी में कोई समस्या है, यानी कि मेल का या तो स्पर्म जो है स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ का मीन्स ये है कि वह इतनी यात्रा को वो कवर नहीं कर पा रहा है, वो आप भले ही आपको लग रहा होगा ये तो वही आसान सा डिस्टेंस है, लेकिन ये स्पर्म के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा है। तो इसमें क्या होता है आप समझिए, 2 करोड़ में से सभी के सभी स्पर्म दौड़ भरते हैं इस ओवम के साथ में मिलने के लिए, लेकिन वो जो पहला ओवम, जो पहला स्पर्म जिस ओवम के पास में पहुंचता है वही उस एक को जो है फर्टिलाइज करता है, क्योंकि जैसे ही एक से ये स्पर्म एक पहुंचा, तुरंत जो है जैसे ही फर्टिलाइज होता है एग अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना देती है और सारे के सारे स्पर्म अब देखते रह जाते हैं, यानी इनका कोई भी काम नहीं है। तो यहां पे कहने का मतलब यह है, यदि पुरुष के स्पर्म में कोई समस्या है या महिला के फैलोपियन में कोई समस्या है तो वहां पे निषेचन नहीं हो पाता, और निषेचन नहीं हो पाता तो निषेचन हमें बाहर करवाना पड़ेगा। तो बाहर करवाने के लिए हम करते क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान से समझना, बाहर करवाने के लिए हम करेंगे क्या, जो मेल है, ध्यान से समझना, जो मेल है, मेल से हम क्या करेंगे, कहेंगे कि भैया अपना स्पर्म तुम दे दो, ठीक है, अपना क्या कर दो, तुम स्पर्म दे दो। तो मेल ने अपना स्पर्म दे दिया आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो फीमेल है, यानी कि जो महिला है, उस फीमेल ने अपना ओवम दे दिया, अंडाणु दे दिया, ठीक है,
अब ये दोनों ऐसे हैं जो एक आगे चल के एक भ्रूण के निर्माण करने में ये कोशिकाएं सक्षम है। ये दोनों क्या हुई, ये दोनों फर्टिलाइज हुई। फर्टिलाइज कहां पर होती है, एक कांच की नली होती है, कांच की नली, इसी कांच की नली में इन दोनों को मिलाया जाता है, फर्टिलाइज कराया जाता है। और जब फर्टिलाइज कराया जाता है तो ये तो जाइगोट बन गया, क्योंकि जैसे ही स्पर्म ओवम से मिलेगा, ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है, याद रखना बड़ा खर्चीला प्रोसेस होता है। आपने इंदिरा आईवीएफ का नाम सुना होगा, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक के खर्चे आते हैं इसमें। तो यहां पे बस इतना याद रखना, जो मेल और फीमेल का जो स्पर्म और ओवम जो फैलोपियन ट्यूब में मिल रहा था, अब की बार उसको हम बाहर एक कांच की नली में मिला रहे हैं, क्योंकि वहां पर आंतरिक रूप से कुछ समस्या है, या तो स्पर्म में या तो फैलोपियन ट्यूब। अब यहां पर ये मिला, जायगोट बन गया। अब जायगोट बन गया तो इसमें विद्युत झटके देते हैं। विद्युत झटके देने से क्या होता है, विद्युत झटके देने से 1 से 2 कोशिका बनती है, फिर 2 से 4 बनती है, और लगभग जब ये 64 कोशिका के आसपास में बन जाती है तो इसको क्या करते हैं, महिला के गर्भाशय में, ये जो महिला थी जिससे ओवम को निकाला गया था, जो रियल फीमेल थी, उसी रियल फीमेल के यूटरस में, गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। और उसके आगे का सेम प्रोसेस होता है, 9 महीने तक वो यूटरस में उस भ्रूण को विकसित करती है, और 9 महीने के पश्चात एक सामान्य तरीके से जैसे एक बच्चे का जन्म होता है वैसे एक जन्म होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इसमें बस केवल और केवल वो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रहा था वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि संबंध स्थापित करने की भी आवश्यकता नहीं हुई, और आराम से जो है यहां पे एक भ्रूण का जो है निर्माण हो गया और एक बच्चे का भी जन्म हो गया। तो ये तो है आईवीएफ। आईवीएफ आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेरोगेसी की। अब सेरोगेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेरोगेसी में यहां पर क्या होता है, एक जो महिला है, जैसे एक मेल है ध्यान दीजिएगा, और एक फीमेल है। अब फीमेल के साथ में एक समस्या हुई, फीमेल के साथ में समस्या यह है कि फीमेल का जो गर्भाशय है यानी कि यूटरस है, वो यूटरस में कोई दिक्कत आ गई। अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सर आपने बताया है कि यूटरस में अगर समस्या आ गई तो वह बच्चे को पालेगी कहां पर, क्योंकि बच्चे को वो एनवायरमेंट प्रदान करने का कार्य केवल और केवल वो कर सकता है, तो कौन कर सकता है, वो यूट्रस कर सकता है, और यूट्रस हो गया है खराब। अब ये मेल फीमेल जो होते हैं ये एक बच्चा चाहते हैं जो उनका हो, खुद का हो। अब यहां पर समस्या ये है कि ये फीमेल तो बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती है, तो वहां पर होगा क्या, अब ध्यान से समझना इस कहानी को थोड़ा सा। ये रियल मदर है, ये रियल क्या है, फीमेल है, ठीक है, यहां पर ध्यान समझना मैं बता रहा हूं, ये रियल फीमेल है, रियल फीमेल है, और यहां पर मैं बता रहा हूं रियल मेल है, रियल मेल है, यानी कि वास्तविक माता है और वास्तविक पिता है। अब ये दोनों चाहते हैं कि उनको बच्चा हो और उनका ही बच्चा रहे, लेकिन समस्या यहां पर यह है कि इस महिला के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वह एक गर्भ को धारण कर ले, क्योंकि उसका यूट्रस खराब है या यूट्रस में कोई समस्या है। तो अब होता क्या है, अब ये एक किसी तीसरी महिला के पास पहुंचता है, तीसरी महिला के पास में ये लोग पहुंचते हैं दोनों लोग, और बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इस महिला से कहते हैं कि ऐसा है, मेरे बच्चे को अगर मैं तुम्हारे, यानी कि मेरे भ्रूण को यदि मैं तुम्हारे यूटरस में रख दूं, तो क्या तुम उसको 9 महीने तक पालन पोषण कर सकती हो। यह महिला एग्री हो जाती है, क्यों एग्री हो जाती है, क्योंकि बदले में इसको पैसा चाहिए। अरे भाई 9 महीने तक ये इनके बच्चों को पालेगी अपने गर्भ में, अपने यूटरस में, तो बदले में यह क्या करेगी, पैसा लेगी। तो यह रेंट पर ये कोख खरीदा गया, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेरोगेसी या सेरोगेट मदर इसे कहेंगे। सेरोगेट मदर का मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, सेरोगेट मदर कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। अब बायोलॉजिकल ढंग से ये इनका बच्चा रहेगा, कैसे बच्चा रहेगा ध्यान दीजिएगा,
एक पल के लिए सरोगेट मदर की कहानी को भूल जाइए, अभी ध्यान दीजिएगा, रियल मदर है, रियल फादर है, इसका गर्भाशय खराब है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ठीक है। अब होता क्या है, आईवीएफ की टेक्नोलॉजी तक एकदम पूरा प्रोसेस वही दोहराइए, फीमेल से क्या निकालते हैं, ओवम निकालते हैं, रियल फादर से क्या निकालते हैं, स्पर्म निकालते हैं, दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, कहां पे मिलाते हैं, एक ट्यूब में मिलाते हैं, और यहां तक का प्रोसेस जो होगा जायगोट बन गया, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो होगा, निषेचन हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट बन गया तो उसके पश्चात इसमें विद्युत झटका दिया गया और ये कई कोशिकाओं में विभाजित हुआ, और जब ये कई कोशिकाओं में विभाजित हो गया, अब इसको इस महिला के यूटेरस में तो डाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसका यूटेरस तो खराब है। अब इसी जायगोट को ये इस सेरोगेट मदर के यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये महिला जो है इसका गर्भाशय ठीक है और ये इसके भ्रूण को जो है 9 महीने तक विकसित करती है और 9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म देती है तो ये बच्चा जो है बायोलॉजिकल ढंग से तो इन्हीं का है क्योंकि इन्हीं का स्पर्म है, इन्हीं का ओवम है, तो बायोलॉजिकल ढंग से इन्हीं का बच्चा है। ऐसे इसी को हम कहते हैं सेरोगेसी, इसी को हम कहते हैं किराए की कोख। क्यों किराए की कोख कहते हैं, क्योंकि किराए पर कुछ दिनों के लिए उसने कोख को क्या किया था, रेंट पर लिया था। हालांकि वो कोख में नहीं बच्चा पलता है गर्भाशय में ही, लेकिन यहां पे सामान्य तरीके से बोल देते हैं। अब यहां पे कई ढेर सारे इथिकल इशू हैं, किसी दिन उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा धंधा बन चुका है यूक्रेन में और खास करके भारत में भी। भारत में 2018 में एक विधिवत कानून लाया गया जिसमें सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर आगे चलकर उसमें संशोधन करके विभिन्न प्रकार के कानून बना दिए गए। क्योंकि होता क्या था कि बहुत ढेर सारे ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चे को खुद जन्म नहीं देना चाहती थी, उनके पास में बहुत पैसा था, खुद बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी उनका ही बच्चा रहे, तो किसी भी महिला को पकड़ के लेके आते थे। भारत में ऐसी बहुत ढेर सारे, क्योंकि सामान्य है ये, उनको पैसे का लालच देती थी, पैसा देती थी, और 9 महीने तक के बाद जो है उनका बच्चा हो जाता था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विभिन्न प्रकार के सेलिब्रिटी, चाहे वो सनी लियोनी हो, चाहे वो तुषार कपूर हो, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे वो फरहान खान हो, ये सारे जितने भी मैं नाम काउंट करा रहा हूं, सुष्मिता सेन हो, ये जितने भी मैं नाम काउंट करा रहा हूं, ये सभी लोग सेरोगेट मदर या सेरोगेट फादर बन चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस जानकारी को आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो यहां पर एक इथिकल इशू आता है कि भाई ऐसी भी क्या दिक्कत है, ऐसे बहुत ढेर सारे अनाथालय हैं जिसमें बच्चे जो है परवरिश सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। आप एकाध दो बच्चे को तो एडॉप्ट कर ही सकते हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है, चूंकि आप एक सिविल एस्पिरेंट हैं तो आपसे ये मैं बात कर सकता हूं कि आपके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता होगी, लेकिन बस वो कुल का चिराग या मेरा बेटा वाले जो भावना है, उस भावना से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी हाल ही में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी मिमी, उस मिमी फिल्म में इस सेरोगेसी के विषय में बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया गया है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की डिफिकल्टीज आती हैं, विभिन्न प्रकार की इसमें समस्याएं आती हैं। समस्याओं का मतलब यह है कि जैसे ही मान लीजिए माँ अपने गर्भ में शिशु को पाल रही है, और कभी ऐसा होता है कि उस शिशु में, ऐसे बहुत ढेर सारे चांसेस हैं कि इस शिशु में दिक्कत आ जाती है, गर्भ में ही जब टेस्ट कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो पता चलता है कि इस शिशु में कोई दिक्कत है, और जब ये दिक्कत का पता इन लोगों को चलता है तो ये लोग छोड़ के भाग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत ढेर सारी दिक्कत आती है। भारत सरकार ने इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जो कानून है उस कानून में संशोधन किया गया है और ये कहा कि अब सेरोगेसी तभी की जा सकती है जब एक भी बच्चा किसी दंपत्ति को ना हो। अगर एक भी बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो वो सेरोगेसी की कॉन्ट्रैक्ट को कभी साइन नहीं कर सकते हैं, कभी भी ये सेरोगेटी का प्रोसेस जो है वो कभी नहीं कर सकते हैं। सेरोगेट मदर का चुनाव करेंगे तो किसी बाहरी महिला को नहीं करेंगे, अपने ही रिश्तेदारों में से किसी न किसी को करेंगे। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के कानून है, एक बड़ा लंबा चौड़ा कानून है, किसी दिन दूसरे दिन उस पर मैं बात करूंगा। तो आशा करूंगा कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो ये आईवीएफ क्या है, सेरोगेसी क्या है,
अब अगले दिन मुद्दे पर हम बात करेंगे, ये जुड़वा कैसे होते हैं या फिर अन्य विभिन्न प्रकार के अभी पहलू बाकी हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो आशा करूंगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एकदम जुट जाइए जी जान के साथ में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जोर लगाइए, साहस का परिचय दीजिए, ईमानदारी से काम करिए। अब वो समय आ गया है कि अपने आप को जागृत कर दीजिए, अपनी कुंडलिनियों को समस्त जागृत करके परीक्षा में जुट जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं एक बेहतर अवसर है। एक बेहतर योद्धा हमेशा मौके की तलाश में है। तो आप यदि योद्धा का गुण को रखते हैं अपने पास में तो निश्चित रूप से अब टूट पड़िए अपने सिलेबस पर, अपने पाठ्यक्रम पर, अपने अध्यापक के ज्ञान पर। आप खूब अच्छे तरीके से विश्वास करते हुए खूब बेहतर ढंग से पढ़ाई लिखाई का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। और ये संस्था, ये टारगेट ऑन, मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि जुड़े रहिए मेरे साथ में और बताते रहिए अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कि आपको पढ़कर कैसा अनुभव हो रहा है। मेरे पढ़ाने का उद्देश्य केवल और केवल विषय से संबंधित बातें नहीं करना, बल्कि आपके जीवन में यदि मैं आमूलचूल परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूं तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य थोड़ा सा अधूरा रह गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक जीवन जीने का आप सलीका भी सीखें, आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन भी आए और ज्ञान अर्जन तो आप करिए ही करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नई जानकारियों के साथ में, लेकिन इस वीडियो के लिए जरूर कुछ न कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।